हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से एमपी कांस्टेबल का वेट कर रहे थे। फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और साथ ही में उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो वैकेंसी आई है वो 7000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आई है। और एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है इस बार के नोटिफिकेशन में कि जो फिजिकल टेस्ट है वो अब क्वालिफाइंग नहीं बचा। क्वालिफाइंग नहीं बचा मतलब रिटर्न टेस्ट के साथ में फिजिकल टेस्ट के जो मार्क्स होंगे उसके टोटल के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिजिकल टेस्ट 100 मार्क्स का है जिसमें आपकी 800 मीटर रेस 40 मार्क्स की है, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट 30-30 मार्क्स के। तो जो लोग फिजिकल की काफ़ी लंबे समय से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको इस बार एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब कैसे आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं वो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन में समझेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को अलग से नोटिफिकेशन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो कि कब से एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10th of July। ठीक है, और अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग डेट भी 26 जून ही है बट उसकी लास्ट डेट जो है वो 15th July है। अब देखो, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं 26 तारीख से और लास्ट डेट 10 जुलाई है, तो ऑलमोस्ट 15 डेज का ही टाइम है। सो टाइमली आप लोग फॉर्म भरिएगा। एंड एग्ज़ाम जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी कम समय है फॉर्म स्टार्टिंग से लेके जब आपकी एग्ज़ाम चालू हो रही है। ठीक है, तो सारी डेट्स याद रखिएगा। साथ ही साथ जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपीज़ सबमिट करना है, और जो SC ST OBC या EWS में आ रहा है ये किसके लिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको कितने रुपीज सबमिट करना है, 250 रुपीज़ सबमिट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका पेपर है वो 2 घंटे का है जो नोटिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, जनरल ड्यूटी की वो आई है 7090। मैंने अभी आप लोगों को बोला था 7000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कितनी है, 7090। अब जो जनरल ड्यूटी है उसमें विशेष सशस्त्र बल की जो पोस्ट आई है वो आई है 2646। ध्यान से देखिए, इसमें फीमेल्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप विशेष सशस्त्र बल को छोड़ देते हैं तो वहां पे आपको फीमेल्स के लिए पोस्ट दिखेंगी, और जो टोटल पोस्ट आई है वो है 4444। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम दीजिए, आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि जो पोस्ट है वो 7000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए कि जो आपका वेतनमान है कांस्टेबल का वो है 19500 से लेके 62000 तक का। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि जो आपकी टेक्निकल है रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कितनी पोस्ट निकली है, उसकी जो टोटल पोस्ट निकली है वो है 321। ठीक है, तो जो लोग टेक्निकल के लिए एलिजिबल होंगे वो लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए टोटल पोस्ट 321 है। ओके, अब जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आपको याद रखना है कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस कहाँ की देनी है। ठीक है, यहाँ पे जिले मेंशन करे हुए हैं, टोटल 55 मेंशन करे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं कि आपकी चॉइस क्या है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये टोटल यहाँ पे जितने भी मेंशन करे हैं जिले वो हैं आपके 55। ठीक है, जिसमें आपका शासकीय रेल पुलिस भोपाल आ गया, जबलपुर इंदौर अलग से आ गया। ठीक है, ओके, अब देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आप लोग 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आप 8th क्लास अगर आप पास करे हुए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग टेक्निकल अप्लाई कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए उनको कुछ अलग से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज या जिसके पास भी इन सब में से एक होगा आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, आप लोगों को सबको यहाँ पे दिख रहा है कि जो एज है उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है 3 साल का। वो जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो कोविड के कारण दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। देखो पुरुष महिला जो अलग अलग कैटेगरीज है सब में 3 साल एडिशनल दिया हुआ है, वो कोविड की वजह से दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब बात आती है आपका शारीरिक मापदंड। ठीक है, शारीरिक मापदंड मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए जो विशेष सशस्त्र बल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो पुरुष को ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर और यहाँ पे चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, सिमिलरली विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अगर आप दूसरी पोस्ट की बात करें तो इसमें जो महिला हैं उनको ऊंचाई चाहिए 155 सेंटीमीटर के लिए, उनकी जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो लागू नहीं होती, वो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे है, आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आरक्षक जीडी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रदान किए जाने वालों अंकों की तालिका। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हमने बोला था कि जो फिजिकल टेस्ट है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से 800 मीटर रेस 40 मार्क्स की है, लॉन्ग जंप 30 मार्क्स का है और शॉर्ट पुट 30 मार्क्स का है। तो ये मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे, किसको 0 मिलेंगे, किसको 1 मिलेंगे, किसको 40 मिलेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 800 मीटर रेस में को कंप्लीट करने के लिए 198.3 सेकंड्स, ध्यान रखिएगा अगर इससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। गेटिंग, सिमिलरली अगर लॉन्ग जंप आपने 2.96 मीटर से कम करी है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। एंड शॉर्ट पुट में अगर आपका डिस्टेंस 3.83 मीटर से कम होता है तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस बेसिस पे आपके पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है, हम तो कोशिश करेंगे कि 40 आउट ऑफ 40 मिले, तो अगर कोई 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहता है तो उसको 800 मीटर रेस 124.2 सेकेंड से कम में कंप्लीट करनी होगी। सिमिलरली अगर आप लॉन्ग जंप में 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं तो आपका डिस्टेंस 5.57 मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट पुट में 8.67 मीटर से अधिक होना चाहिए। ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए जो डिटेल्स हैं वो अलग है जो यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ठीक है, आप लोग रीड कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फिजिकल की तैयारी करिएगा कि आप चाहे कोशिश करिएगा कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि आप लोगों के ऑनलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, तो टोटल 13 सेंटर्स नोटिफिकेशन में मेंशन करे हुए हैं, आप लोग अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग नियरेस्ट सेंटर चूज कर लीजिएगा फॉर्म भरते टाइम। ओके, अब आपका जो पेपर है लिखित परीक्षा, ठीक है, वो कितने मार्क्स का है, वो 100 मार्क्स का है और जो इसका लेवल होगा यहाँ पे लिखा हुआ है वो 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे जो प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है। जो सबसे पहले 40 मार्क्स है उसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है। ठीक है, मतलब आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग है। इसके बाद बौद्धिक क्षमता, ठीक है, और मानसिक अभिरुचि है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड है 30 मार्क्स का। ठीक है, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित मतलब सिंपल साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक है 30 मार्क्स का। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ाई करते आए होंगे और अभी भी आप टाइमली रिविजन कर लेंगे तो आप आराम से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो लोग टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको साथ ही साथ में टेक्निकल पेपर देना होगा, वो भी 100 मार्क्स का है और उसका टाइम भी कितना है, 2 आवर्स है, जैसे कि आपको इस पेपर के लिए भी 2 आवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक और भी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि आप लोग पूरा पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत करा तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप खाली छोड़ेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मार्क्स कटेंगे, तो बेटर है कि आप पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आई होप अब आप लोग
अच्छे से रिवीजन करके अपनी पूरी प्रिपरेशन पूरे दम के साथ करेंगे, क्योंकि 12 अगस्त से एग्ज़ाम चालू हो रही है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप गिव योर बेस्ट एंड गुड लक, टेक केयर.